हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर सेकेंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में हम सब पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, जिसके अंतर्गत जो टॉपिक इंक्लूड्स है वह है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर्स एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स, दैट इज द स्टामेंस एंड देयर स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सेकेंड टॉपिक है कार्पेल, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट। थर्ड टॉपिक होगा पॉलिनेशन। फोर्थ टॉपिक होगा पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज द डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इन विच इंक्लूड्स स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स मींस फॉर्मेशन ऑफ द एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन। फिर एट द नेक्स्ट टॉपिक इज द सीड एंड देयर स्ट्रक्चर्स एंड लास्ट टॉपिक दैट इज द एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियानी दैट मिमिक्स द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इट इज द ए सेक्सुअल मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि इस टॉपिक में जितने इंक्लूड हैं इस सेकेंड चैप्टर में, उसमें से कौन सा टॉपिक से पिछले 10 ईयर्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर हम उनका अनुमान लगाएं तो देखें। इस फर्स्ट टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से 38 क्वेश्चन पिछले 10 ईयर्स में पूछे गए हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से 39 क्वेश्चंस, प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन से 53 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन 11 क्वेश्चंस, डबल फर्टिलाइजेशन 11 क्वेश्चन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स से 30 क्वेश्चंस, वेयर एट द सीड एंड देयर स्ट्रक्चर्स 14 क्वेश्चन एंड द एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी से 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे अधिक क्वेश्चन पिछले 10 ईयर में पॉलिनेशन टॉपिक से पूछे गए हैं, उसके बाद मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पूछे गए हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों, हम सब जानते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स इज आल्सो नोन एज द ट्रू सीड प्लांट्स, इन विच सीड आर प्रोड्यूस इन साइड द फ्रूट्स। जनरली द फ्लावरिंग प्लांट्स शो टू डिस्टिंक्ट फेजेज इन दियर लाइफ साइकिल, वन इज द गैमेटोफिटिक फेज, अनदर इज द स्पोरोफिटिक फेज। स्पोरोफिटिक फेज ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज डोमिनेंट ओवर द गैमेटोफिटिक फेज एंड इन स्पोरोफिटिक फेज produce the sex organ that is the flowers. Flowers are the reproductive structures of the angiospermic plants. Before study the flower or reproductive organs structure, first of all we should know that different scientists or some important topics that are discovered by the different scientists. First, to study the sexual reproduction in flowering plants are by the Camarius in 1694. Camarius, he also distinguished the male and female reproductive structures in the angiospermic plants. He also named the male reproductive structure as the stamen
and the female reproductive structures at the carpels. Where at the pollen tube are discovered by the MEC in 1824 in Portulaca plant. In Portulaca plants, ध्यान देंगे कि pollen tube discovered by the MEC in 1824 in Portulaca plant. Whereas Strasburger in 1884 observed the process of fusion of male and female gametes in Monotropa plant. It means fertilization events. First of all, observed by the Strasburger. Whereas the process of double fertilization and triple fusion discovered by Novastin in 1898. Double fertilization discovered by the Novastin in 1898. Whereas development of sporangium, the process of development of sporangium with multi-layered wall from the several initial cells means more than one cells or group of cells. That types of the development of sporangium is called eusporangium. That types of the sporangium is called eusporangium. Whereas when the sporangium development occurs from a single initial cell, it is called the leptosporangiate. That types of the sporangium is called the leptosporangiate. अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज द फ्लावर. फ्लावर इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट एंड इट इज द मॉडिफाइड कंडेंस्ड शॉर्ट स्पेशलाइज्ड ब्रांच are stems part that carry out sexual reproduction in angiospermic plants. In angiospermic plant, the sporophytic phase, the flowers generally in perennial plants, the flowers are produced in a specific seasons by many hormonal and structural changes that initiate the leading of the differentiations and development of the first of our floral primordia that further develop into the floral buds and then into the flower. The branch of the biology in which we study the ornamental horticulture concerned with the growing marketing of ornamental flower is called a floriculture. That branch is called a floriculture. Floriculture. Let us study the structure of the flower. This is the structure of a typical flower. All of you study the structure of the flower in previous classes. A complete flower have four oral parts. The outermost oral called the calyx, which individual part is known as the sepal. It means calyx consists of a number of the sepals, whereas the next oral that are formed by the colored structure called corolla. Corolla consists of a number of petals, whereas the third oral that are formed by the androecium. Individual part of the androecium is called the stamen. That is the
stamen. Stamens and next the central portions of the flower, central oral of the flower is formed by the gynoecium. Individual part of the gynoecium is called the carpel or pistils. Let us study the structure and function of each part of the flower. All these oral are arranged on a central axis of the branch that is called the thalamus. Why flower is called the modified form of the stem? Because there are four oral that are arranged on different nodes, but in this structures internodes is highly reduced and all the nodes are present on each other. Study the sepal. Sepal, collectively known as the calyx, that are generally green in color and more or less foliages in texture and functions primarily to protect the flower in its buds conditions, buds stage, and they form the outermost or first floral oral. When sepal are fused together, then calyx is called the gamosepalus, whereas when all the sepals in a calyx are free from each other, then calyx is called the polysepalus. The next oral is the corolla, which individual part is the petals. Petals are mostly bright colored and often differentiated into narrow basal part. Basal part is narrow and the upper part is broad. Their main function is to attract to the insect or pollinators for the purpose of pollination. They form the second floral oral that is called a corolla. And corolla, when all the petals in a corolla are fused, that types of the corolla is called the gamopetalous, whereas when all the petals are free from each other, then that types of the corolla is called the polypetalous. The third oral that are formed by the endosium and individual part of the endosium is called the stamen. Stamen is the male reproductive organ of the flowers. It is formed the third oral. Stamen consists of long cylinder and sterile filaments, whereas the upper swollen parts, which are fertile, called anther, whereas lobed anther is called lobed. Two lobed anther is called a dithecus. This is the structure of the anthers, swollen part called anthers, that are posteriorly connected by the connective tissue that may be parenchymata cells, made up by the parenchymata cells, and present a deep groove that grow bifurcate the lobe of the anther into two lobes. That types of the two lobed anther is called dithecus, whereas when these groups are absent and only a single lobes present in the anther, it is called monothecous anther. Anthers have the microsporangium in which synthesized the male gamete, that is the
पालेन ग्रेन्स। द नेक्स्ट आर फोर्थ ओर दैट आर फॉर्म बाय द गाइनोशियम एंड इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द गाइनोशियम इज कॉल्ड कार्पेल आर पिस्टिल। कार्पेल आर पिस्टिल कंसिस्ट बाय थ्री स्ट्रक्चर। द अपर स्वेलन पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा, दैट इज द स्टिग्मा, एंड नैरोअर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टाइल्स, एंड द बेसल ब्रॉडर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओरी, दैट इज द ओरी। इनसाइड द ओरी प्रेजेंट द ओयूल्स, ओयूल्स एंड ओयूल्स प्रोवाइड द साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट्स। पास करो हो गया। आइए अब हम स्टडी करते हैं सर्वप्रथम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। इट इज द स्टामेन आर माइक्रोस्पोरोफिल एंड ए स्टामेन कंसिस्ट ऑफ ए फिलामेंटस स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड ए फिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंड अनदर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर। एंथर एक्सटर्नली अपीयर बाइलोब स्ट्रक्चर बट इंटरनली इट इज टेट्रास्पोरेंजिट एंड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोव्स रन्स लेंथवाइज इन द एंथर एंड सेपरेट द थीका। एंथर कंसिस्ट ऑफ टू एंथर लोब्स, व्हेन कंसिस्ट ऑफ टू एंथर लोब्स कॉल्ड द डाइथीकस और बाइथीकस, और वन एंथर लोब कॉल्ड मोनोथीकस। अब हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथर। लेट अस सी इन दिस फिगर द यंग एंथर इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली ए ग्रुप ऑफ पैरेंट काइमेटस सेल्स। लेट अस सी दैट आर सराउंडेड बाय द एपिडर्मल लेयर, एपिडर्मिस, दैट इज द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एपिडर्मल लेयर, इट सून्स बिकम्स फोर लोब्ड, दैट इज द प्रिमॉर्डियल सेल्स दैट स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ द प्रिमॉर्डियल सेल स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ द स्पोरेंजियम एट ईच कॉर्नर्स। दैट इनिशियल सेल इज कॉल्ड आर्किस्पोरियम। लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल सेल स्ट्रक्चर एंड देन फर्दर ग्रो एंड इट कन्वर्ट इन टेट्रालोब्ड स्ट्रक्चर्स। प्राइमरी पेरियोटल सेल्स, इनिशियल वैस्कुलर स्ट्रैंड दैट आर फॉर्म इन द पैरेन्काइमेटस सेल्स, एंड इन दिस फिगर स्पोरेंजियस स्पोरोजिनस सेल्स, पेरियोटल सेल्स एंड एपिडर्मिस। लेट अस सी इन दिस फिगर्स आउटर मोस्ट लेयर इट इज द एपिडर्मिस, बिलो इट प्रेजेंट सिंगल सेल लेयर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंडोथीसियम, एंड मिडिल लेयर दैट कंसिस्ट बाय टू आर थ्री नंबर ऑफ सेल्स लेयर, वेयर एट द इनर लेयर इज कॉल्ड टैप्टम। इनसाइड द टैप्टम प्रेजेंट द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इन विच मियोसिस सेल डिवीजन टेक प्लेस एंड फॉर्म द पॉलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आल्सो नोन एज द पॉलन मदर सेल्स, पॉलन ग्रेन मदर सेल्स। अब हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर। अब हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। यह टेट्रालोब स्ट्रक्चर देखें,
इस लोग को इलाज करके, तो आप सब ने पढ़ा है, एक मेच्योर एंथर इज कंसिस्ट ऑफ द एंथर वॉल एंड द पालिन चैम्बर, दैट इज द माइक्रोस्पोरेंजियम एयर माइक्रोस्पोरेंजिया। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द वॉल ऑफ द एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ फोर लेयर। लेट अस सी द आउटर मोस्ट लेयर इज द एपिडर्मिस, बिलो इट प्रेजेंट द एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर। इंडोथीशियम कंसिस्ट ओनली सिंगल लेयर सेल्स, वेयर एज द मिडिल लेयर कंसिस्ट ऑफ द टू आर थ्री लेयर स्ट्रक्चर, वेयर एज द बिलो द मिडिल लेयर आर प्रेजेंट सिंगल लेयर स्ट्रक्चर कॉल्ड द टैप्टम एंड बिलो द टैप्टम प्रेजेंट द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ऑलरेडी आपको बताया कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में ही मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप पालिन ग्रेन और मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखें इन सब का फंक्शन क्या है, इन लेयर जो सभी फोर लेयर हैं इनका फंक्शन क्या है। तो आप जैसा कि जानते हैं एपिडर्मिस का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटेक्शन। इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फॉर द आउटर मोस्ट लेयर एंड वन सेल थिकनेस एंड प्रोटेक्ट द इनर सेल लेयर इनर स्ट्रक्चर टू द एपिडर्मिस सिंगल सेल लेयर इंडोथीसियम इंडोथीसियल सेल्स आफ्टर फाइब्रस थिकनिंग ऑफ अल्फा सेलुलोज हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ द एंथर। आप जानते हैं जब ये मेच्योर हो जाता है अर्थात पालिन ग्रेन का डिस्पर्शन होना होता है, तो इंडोथीसियम की जो लाइनिंग होती है यह फोर्स अप्लाई करती है। जब यह ब्रेक डाउन होती है स्प्लिट करती है तो यह फोर्स अप्लाई करती है और पालिन ग्रेन के डेहिसेंस में हेल्प करती है। मिडिल लेयर इंडोथीसियम के अंदर प्रेजेंट होता है और यह एक से वन से लेकर फोर लेयर ऑफ सेल से बना होता है। इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पालेंस ऑन डी जनरेशन। इट मीन्स मिडिल लेयर जैसे जैसे आप कह सकते हैं जैसे जैसे पालेन ग्रेन मच्योर होते जाते हैं मिडिल लेयर डीजनरेट होती रहती है और उन डेवलपिंग पालेन ग्रेन को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट लेयर जो मिडिल लेयर के अंदर की ओर होता है कॉल्ड टैप्टम, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर वॉल। दीज आर मल्टी न्यूक्लेटेड स्ट्रक्चर। ध्यान दें ओनली द सेल ऑफ टैप्टम इज द मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। टैप्टम प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पोरोजिनस सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स पालिन ग्रेन मदर सेल्स आल्सो नोन एज द स्पोरोजिनस सेल्स बिकॉज इट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स माइक्रोस्पोर्स। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एंड पालिन ग्रेन इट आल्सो टेक्स पार्ट, इट मीन्स टैप्टम आल्सो टेक पार्ट इन सेक्रीशंस ऑफ द एंजाइम्स एंड हार्मोन्स लाइक ऑक्सिन स्पेशली IAA इंडोल एस्टिक एसिड एंड इट आल्सो फॉर्मेशन ऑफ द पालेन किट एंड इंटमोफिलस पालेन ग्रेन्स। ध्यान दें इंटमोफिलस पालेन ग्रेन के लिए ये पालेन किट का फॉर्मेशन करता है। व्हाट टाइप्स ऑफ द पालेन ग्रेन कॉल्ड द इंटमोफिलस पालेन ग्रेन, दैट टाइप्स ऑफ द पालेन ग्रेन दैट आर ट्रांसपोर्टेड बाय द इंसेक्ट। इट मीन्स पालिनेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, दैट टाइप्स ऑफ द पालेन ग्रेन इज कॉल्ड इंटमोफिलस फ्लावर। आफ्टर मेच्योरेशन डेहिसेंस टेक प्लेस। देखें इन दिस फिगर स्टडी इन दिस लेट अस सी इन दिस फिगर द पालेन ग्रेन दैट आर रिलीज फ्रॉम द मेच्योर एंथर आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ दियर वॉल्स। इन ईच पालेन चैम्बर
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस टेक प्लेस. व्हाट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? व्हाट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम ए पॉलन मदर सेल्स बाय मियोसिस सेल डिवीजन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ईच सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इन द माइक्रोस्पोरेंजियम एक्ट एट द पोटेंशियल पॉलन मदर सेल्स दैट इज ऑल्सो नोन एज द पीएमसी आर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ऑल्सो नोन एज एब्रीविएशन फॉर इट इज द एमएमसी. पीएमसी अंडरगोज मियोटिक सेल डिवीजन टू फॉर्म क्लस्टर ऑफ फोर सेल्स दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड. माइक्रोस्पोर टेट्राड ऑन मैच्योरिटी दीज माइक्रोस्पोर टेट्राड्स माइक्रोस्पोर्स सेपरेट एंड फॉर्म पॉलन ग्रेन्स. अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट एंड जनरली पॉलन ग्रेन्स आर स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर्स. दे पोजेस टू प्रोमिनेंट लेयर वॉल आउटर called exine and inner is called intine. The exine is hard layer and made up of the sporopollenin which is one of the most resistant organic material present in the nature. ध्यान दें most resistant organic material present in the nature and दीज ऑर्गेनिक मटेरियल इज कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड स्पोरोपॉलेनिन. ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ दीज रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल पॉलन ग्रेन कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रांग एसिड एंड एल्कली. द इनर थिन लेयर ऑफ द इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन. देखिए ये स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन टेट्राड फॉर्म्स एंड सेपरेटेड फॉर्म्स सिंगल पॉलन स्ट्रक्चर्स दैट इज द पॉलन वैक्यूल न्यूक्लियस आउटर मोस्ट लेयर दैट मेड अप बाय द एक्साइन इनर लेयर इनर वॉल मेड अप बाय द इंटाइन एक्साइन इज फॉर्म बाय हाईली रेसिस्टेंट प्लांट कॉल्ड स्पोरोपाले हाईली रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड स्पोरोपॉलेनिन दैट मेड अप बाय द प्रोटीन्स. द इनर लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एंटाइन दैट आर सेलुलोजिक इन स्ट्रक्चर्स दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन्स आफ्टर मेच्योरिटी जनरली प्रेजेंट इन टू सेल स्ट्रक्चर आर थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर्स. नियर अबाउट 60% ऑन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट पॉलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम द एंथर इन टू सेल्ड स्ट्रक्चर. लेट अस सी इन दिस स्ट्रक्चर इन टू सेल्ड स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन. वन सेल इज लार्ज इन साइज दैट कॉल्ड वेजिटेटिव सेल्स वेयर एज एनदर सेल स्मॉल इन साइज कॉल्ड द जनरेटिव सेल्स. इन फ्यूचर आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन वेजिटेटिव सेल्स फॉर्म इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन ट्यूब्स वेयर एज आफ्टर द लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा पॉलन ग्रेन ड्यूरिंग द जर्मिनेशन द जनरेटिव सेल्स न्यूक्लियस डिवाइड एंड फॉर्म टू मेल गैमीट्स that involve in process of fertilization. Whereas in three-celled structure, the generative cells nucleus are divided into two parts. Therefore, two male gametes are separated in pollen grain forms before dehiscence of the pollen grain or releasing of the pollen grain from the anther.
Therefore, these types of the pollen grain is called a three-celled pollen grain. It is present to only 40% angiospermic plants. आइए अब ध्यान देने की बात है कि ड्यूरिंग द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस यूजुअली द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स इन टेट्राड फॉर्म्स इज टेट्राहेड्रल और आइसोबाइलेटरल हाउएवर द अरेंजमेंट इन सम केसेस मेनी इट मे बी लीनियर फॉर एग्जांपल इन एस्लेपियास प्लांट्स decussate forms in Mongolia plants and T-shaped in Aristolochia plants. Let us see in this figure. It is the tetrahedral forms, isobilateral forms and decussate forms, linear forms and T-shaped plants. अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स. दे आर बीइंग यूज एज फूड सप्लीमेंट्स इन द फॉर्म्स ऑफ टेबलेट्स एंड सिरप्स इन वेस्टर्न कंट्रीज फॉर इन्हेंसिंग द वाइटल बॉडी फंक्शंस. Pollen consumption is believed to increase performance of the race horses and athletes. But in some cases, pollen grains, consumptions of the pollen grains may cause allergy in human body.